ऐतिहासिक गांव का ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, गाजीपुर और बलिया का सरहदी ब्लॉक बाराचवर में मुकीम नारायणपुर गांव सभा का एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के बारे में उर्दू अदब की इर्तका में गाजीपुर की खिदमत पर लिखी थीसिस में डॉक्टर अली शेर खान ने ऐतिहासिक हवाला देते हुए लिखा है कि यह गांव सैयद सलाहुद्दीन उर्फ शेख दादा मियाँ 1062 हिजरी से कबल कड़े मानिकपुर तहसील सरातू मौजूदा तहसील और ज़िला इलाहाबाद यूपी से मुगलिया सल्तनत के शाहजहानी में आमिल के ओहदे पर फायज होकर परगना जहूराबाद तशरीफ लाए थे। उन्हीं से ये पूरा गांव बसा हुआ है। इस गांव में 2021 के पंचायती चुनाव में प्रधान पद पर अम्मास सिद्दीकी को 664 वोट हासिल हुए हैं। अम्मास सिद्दीकी ने शहबाज अहमद को 326 वोट से शिकस्त दिया है। गांव के लोगों से इस गांव के हालात को जानने का प्रयास किया हूं मैं। आप भी सुने जिला गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। आपका परिचय क्या है? जी, मुझे लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम तो मेरा अम्मास सिद्दीकी है। तो आप किस पद पे चुने गए हैं? जी, जनता ने मुझे प्रधान पद के लिए, नारायणपुर की सम्मानित जनता ने मुझे प्रधान पद के लिए चुना है। यहाँ से किस विकासखंड में आता नारायणपुर? जी, ये आपका नारायणपुर जो है बाराचौर ब्लॉक में आता है, तहसील मोहम्मदाबाद। इस चुनाव में आप ग्राम सभा में चुने गए हैं और आपको 664 वोट प्राप्त हुए हैं। जी जी, दूसरी तरफ 332 वोट प्राप्त हुए हैं, 326 ओर से आपकी जीत हुई है। जी, इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया, जबकि दूसरा उम्मीदवार एमए एलएलबी बहुत बड़ा यानी थे, कैसे गांव के लोग कैसे इतना बड़ा फर्क? जी, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया जी कि मैं उनके हक की लड़ाई लड़ सकता हूं। पिछला जो कार्यकाल प्रधान का बीता है उसमें जो है काफी भ्रष्टाचार हुआ जी। जैसे और कुछ तो नाम न लेते हुए, जैसे शौचालय में बहुत बड़ा घपला हुआ। अच्छा। बहुत लोगों का शौचालय में नाम रहते हुए उनको पैसा न ही पैसा मिला और न ही उनका शौचालय बना। अच्छा। तो इसमें मैं उनके हक की लड़ाई लड़ा। अच्छा। और मेरा मुद्दा था विकास का और गरीबों की मदद का, उसमें मैं कामयाब रहा और लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझको इस लायक समझा, सम्मान दिया। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। कि गांव के प्रधान बुजुर्ग हुआ करते थे, लेकिन आप इस युवा अवस्था में आपने ये इतना बड़ा जिम्मेवारी, इतना बड़ा काम का क्यों चुन लिया आपने? जी, शुरू से जो है जनता सेवा का भावना था, ये प्रेरणा मुझको अपने दादा से ही मिला। अच्छा। उसमें जो है बहुत दिन तक, वो लगभग 40 साल तक मेरे परिवार में जो है प्रधान पद रहा है। अच्छा अच्छा। मेरे दादा रहे, फिर उसके बाद मेरे चचा और चची रही हैं। अच्छा। तो शुरू से जज्बा रहा है लोगों की मदद करने का और उनके किसी भी सुख दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, ये शुरू से रहा है। इस नियत से मैं आया
कि शायद मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ इस पद पर आने के बाद, इसलिए मैंने इसको चुना। दादा मरहूम का क्या नाम है जो 40 साल तक प्रधान रहे? जी मरहूम वकील अहमद। अच्छा, 40 साल तक प्रधान रहे? जी हाँ लगातार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हजरत मोहम्मद सलामुद्दीन जी। मोहम्मद सलामुद्दीन। मोहम्मद सलामुद्दीन किस गांव के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव के नारायणपुर के रहने वाला हूँ। नारायणपुर गांव के। थाना कहाँ पड़ता है इसका? थाना करमजीन। अच्छा। ब्लॉक? ब्लॉक बारा चौर। अच्छा, ये आप लोगों ने जो प्रधान चुना है क्या खूबी देखा था इनमें आप लोगों ने? हजरत ऐसा खूबी है कि पूरा जो है कवर करते थे, गरीबों का मदद करते थे शुरू से लेके आखिर तक। अच्छा। उनको लोकप्रिय लोग मानते थे। अच्छा, इनका सौभाग्य था इस करके हम लोग इनको अपने तौर ठिकाने से इनको प्रधान चुने कि अच्छा काम भी करेंगे, झूठा आदमी नहीं है, सच्चा बात बोलते हैं, सच्चाई पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। और जो पहले के प्रधान थे ये सब झूठे निकम्मे प्रधान, ऐसा प्रधान मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। मेरे को बहुत दिन हो गया मेरे को जी, अरे मेरे कम से कम 50 साल उम्र हो गया जी, लेकिन ऐसे ऐसे प्रधान देखे कि लूट के खाने वाले प्रधान। अच्छा। जी। लेकिन इनके में वो खूबी नहीं है। अच्छा। ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे सौभाग्य के हैं, इनको बच्चे से लेके बूढ़े से लेके बहन से लेके माँ से लेके सब इनको प्यार मोहब्बत इकलाक करते हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग इनको इसलिए हम लोग कामयाबी। पुराने प्रधान जो थे यहाँ के उनके कार्य के बारे में बताएंगे हमको आप? हजरत किसी का मकान आवास आ गया। हाँ। वो आवास का पैसा खा के बैठ गए। अच्छा। ऐसे ऐसे प्रधान बने क्या? हाँ। ये देश का। हाँ। गांव का क्या करेंगे, देश का तो। जी 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 जी। ऐसे ऐसे प्रधान है। हाँ। इन लोग ऐसी प्रधानी नहीं चलती जी। प्रधानी में ठीक है झूठ बोला जाता है। हाँ। लेकिन ऐसे झूठ मत बोलो कि पूरे हजम कर दो। हाँ जी जी, सही बात है। प्रधानी का मतलब है कि प्रधानी में जो आदमी आ गया उसको किसी का बहन बेटी का शादी है, ब्याह है, कोई बीमार है, प्रधान का मतलब ये होता है कि प्रधान जाके कवर करे, देखे। आप अपना नाम बताइए। सदर आलम। सदर आलम ये कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। नारायणपुर किस इसमें पड़ता है, ब्लॉक में पड़ता है? बाराचर ब्लॉक। बाराचर ब्लॉक में, तो बाराचर ब्लॉक में पड़ता है। तो आप लोगों ने जो नया प्रधान चुने हैं पप्पू जी को, किस उम्मीद पे चुना है आप लोगों ने? पप्पू भाई को हम लोग इसलिए चुने हैं, ये अच्छे आदमी हैं। अच्छा। सीधा साधा आदमी है और लोगों के हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा। आज 5 साल से सबको हर दुख में रहते हुए भी साथ दिए। यहाँ के पुराने प्रधानों के काम के बारे में बताएंगे? पुराने प्रधान काम किए लेकिन कम किए हैं, ज्यादा गमन किए हैं, खाए हैं लोग। अच्छा। ये शौचालय का हुआ, सोलर लाइट का हुआ, खड़ंजे का हुआ। अच्छा अच्छा जी। गमन का आरोप ज्यादा जी जी, उनपे FIR भी है जी, तो उस FIR कराने में इनका ज्यादा रोल रहा क्या? नहीं, इनका क्या, गांव का ही है, सब लोग गांव का जी। चंद्रमा राजभर। और ये बाप रे, चंद्रमा राजभर आए, ये बताओ भैया कि राजभर नेताजी का याद रखे जाना? जैसे ना। हाँ। तो उनका तो पूरा आदमी चीर फाड़ करे वाला आदमी मन जान लो, तो सच के सच कहला, झूठ के झूठ कहला जा है कर ना। हाँ। तो तू सच के सच बतेबा नहीं हम कहो? हाँ बताई बा। ये बताओ कि प्रधान जी भैया हूँ का उम्मीद बन करा थे तुझसे? उम्मीद बा के हम गरीब आदमी बन जाए। हाँ। हमने के आगे में बढ़ाओ। हाँ। तो इसे हमने किन के जीतौरे बन जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। पुरनका प्रधान लोग खूब गबन केले बन जाए कि कुछ काम केले बन जाए? कुछ काम लेखन कैल है। हाँ। जेकर घर में 4 गो लैटरिन का आवास आयल है। हाँ। वो निके मिलल। अच्छा। जो फार्म जमा करे जाता है वो के निके जमा हो पाओ। अच्छा। ओहो हो हो। तब कुल आप लोग बिराजी सब उठवा इन्हें ही दिल पे लगता है? सब पप्पू भाई की दिल पे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। मैं जिनके नाम से पैसा ड्रा हो गया था वो मिला नहीं था। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये अपना लगे रहे और विषम परिस्थितियों में भी ये जूझ कर कुछ लोगों को पैसा उसमें दिलवाए। अच्छा अच्छा। इन तमाम चीजों से लोग जलता है। जी जी, ये इनके एक ही है। हाँ हाँ,
खुशी का। बताइए कि यहाँ पे जो विधवा पेंशन और तमाम पेंशन के हालात हैं, इसमें कैसा क्या हालात है यहाँ के? इसमें बने हैं कुछ? अच्छा। बने हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी वंचित नहीं हैं। वंचित हैं, बहुत सारे लोग वंचित हैं और सारे लोगों की इनसे उम्मीद है कि भाई सबका ये दिलाएंगे। हाँ हाँ, काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका।